ओम शांति। अभी से भी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा बता रहे हैं कि संतुष्टता द्वारा ही अब बहुत पुण्य जमा होता है, क्योंकि जब हम संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट होकर के सेवा करते हैं, तो साथ में सब कोई हमसे भी संतुष्ट होता है, खुद भी संतुष्ट होता है, सब खुश होते हैं, एकदम माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बाबा बता रहे हैं कि सहयोग भी एक प्रकार का योगी है, क्योंकि सहयोग दे करके बाबा का बच्चा हम बना देते हैं। तो इस तरह भी बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो औरों की चक्र से बच जाओगे। कभी बाबा के पास पहुंच जाओ तो कभी स्थूल बतन पहुंच जाओ, तो कभी सत्संग में पहुंच जाओ, तो कभी मधुबन में पहुंच जाओ। इसी तरह से क्या होगा, स्वदर्शन चक्र से हम और बातें बैठे बातें नहीं आएंगी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बोलो बहन जी, बोलो। आज बाबा ने कहा है कि समय का कोई भरोसा नहीं, अभी तो एक ही समय पर तीन प्रकार की सेवा करनी है, मनसा भी, वाणी भी और संबंध संपर्क द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा भी। ऐसे फास्ट करेंगे तो विश्व आपके गुण गाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जिसे संतुष्टता के बारे में बताया, अभी भाई जी ने भी डिस्कस किया था। तो एक मुरली है 29 नवंबर 1978 की, उसमें बाबा ने कहा था कि संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति होगी, क्योंकि सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वो संतुष्टता है। तो संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए, एक बाप से संतुष्ट, दूसरा सदा अपने आप से संतुष्ट, और तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। तो संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, सदा प्रसन्न चित्त। तो इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा मिलेगी, प्रशंसा होगी। तो विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी है प्रसन्नता, और उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सहयोग भी योग ही है। उन्होंने जैसे बताया कि दादियां उमंग उत्साह बढ़ाती हैं, क्लास कराती हैं, तो हमें किसकी याद आती है, बाबा की याद आती है। इसी तरह से हमें भी सहयोग देकर योग भी लगाना है और आत्माओं का सहयोग भी करना है। ओम शांति। बोलिए, शेरू भाई जी आप बोल रहे थे। हाँ जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा, अभी संगम पर आप द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों के वायुमंडल में भरेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से द्वारा अनुभव करा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सेवा के लिए जो बताया है कि अभी तो एक ही समय पर तीन प्रकार की सेवा करनी है, मनसा भी, वाणी भी और संबंध संपर्क द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा भी। तो ऐसी फास्ट सेवा करेंगे तब विश्व आपके गुण गाएगा। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले तो जो मनसा सेवा है, तो मनसा सेवा के लिए पहले तो हमें अपने को पावरफुल बनाना है, क्योंकि वाणी की सेवा तो स्थिति में चाहे ऊपर नीचे भी हम कर लेते हैं, जैसे भाषण करते हैं, कोई भी कोर्स करवाते हैं, लेकिन मनसा सेवा ऐसी हो सकती है कि अगर यहाँ पर हमारा थोड़ा भी कमजोर संकल्प होगा तो मनसा सेवा हम कर नहीं सकते। वाणी वाणी की कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करने से क्या होता है कि हम निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकते। तो साथ में बाबा ने संबंध और संपर्क द्वारा, संबंध संपर्क में जो संतुष्टता का बताया आज,
अभी बहनों ने भी भाई ने भी, तो संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना पड़ेगा। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है, क्योंकि अगर हमें अपने परिवार के साथ संतुष्ट रहना है और संतुष्ट हो करके बाप दादा के बोले गए महावाक्य को स्मृति में रख करके हमें अलर्ट होके यह कार्य करना है, क्योंकि कमाल करके बाबा ने बोला है, कमाल करके दिखाना है, बाकी वृद्धि अच्छी हो रही है और आगे भी वृद्धि होती रहती है। तो सभी संतुष्ट करने का पुण्य जमा कर लिया, संतुष्टता द्वारा बहुत पुण्य जमा होता है। तो संतुष्ट रहे, संतुष्ट किया, सेवा की और सेवा दी और पुण्य जमा किया तो सब खुश। फास्ट पुरुषार्थ है ना, स्लो नहीं, देखो यहाँ स्लो नहीं, फास्ट। अच्छा, बाप दादा को पसंद आया है, इतने संगठन में आए और संतुष्ट किया, उसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बाबा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा बोला जे एक सेकेंड में परम धाम पहुंच जाओ, देन सूक्ष्मवतन पहुंच जाओ, देन स्थूल, देन स्थूल साकार वतन, राज्य आपका राज्य स्वर्ग में आ जाओ, देन पुरुषोत्तम संगम जो आ जाओ, देन मधुबन आ जाओ। तो ऐसे सदर्शन चरण घुराने से ही আমাদের সমস্ত পাপ মানে পাপ মানে আমরা মানে সব চক মানে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়গা। ওম শান্তি, ওম শান্তি। আজ বাবা বলে কি সবই ইহি লক্ষ্য রাখো কি ভলে আয়ে লাস্ট হো লেকিন জানা ফাস্ট অর ফাস্ট হে এসি কমাল করকে দিখাও। ওম শান্তি। ওম শান্তি। तो इसी पे सब चिंतन कर सकते हैं कि कैसे हम सभी फास्ट पुरुषार्थ करें, या कोई कर भी रहा होगा तो वो शेयर कर सकता है ताकि हम फर्स्ट में आ जाएं। ओम शांति। फास्ट पुरुषार्थ का मतलब पूरा ज्ञान क्या है, केवल आत्मा और परमात्मा। अगर हमको ये ज्ञान हो जाएगा मैं आत्मा हूँ, मेरे ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करना है, ये फास्ट पुरुषार्थ है। ओम शांति, ओम शांति। फास्ट पुरुषार्थ के लिए हम एक साथ कई तरह की सेवा कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम घर में भी अगर हैं तो कोई भी कार्य करते हुए एकाग्रता के द्वारा बुद्धि को एकाग्र रखते हुए बिल्कुल शांत स्वरूप बनकर काम हम हाथों से करें, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि हाथ कार दे दिल यार दे। तो काम हाथों का है या वाणी का भी चलता है, लेकिन मन बुद्धि एकाग्र परमात्मा के पास टिका रहे, वो भी यथार्थ स्वरूप में, यानी हम आत्मिक स्वरूप में भी है, निराकारी अवस्था हमारी ऐसी बुद्धि में रहनी चाहिए कि यह शरीर का भान कम रहे और हम परमात्मा के साथ अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके मिलन मनाते हुए सेवा भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसी हमारी फरिश्तों जैसी स्थिति बना के कि हाँ हम खुश हैं अंदर से आनंद स्वरूप में परमात्मा के साथ लेकर, और सभी को वो किरणें दे रहे हैं, कभी आनंद का, कभी सुख शांति का, या फिर कभी इस चीज का कि सभी आत्माएं जो है विश्व के कोने कोने की वो बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रही है। तो लौकिक कार्य करते हुए भी या फिर वाचा की सेवा या कार्य करते हुए भी बुद्धि की एकाग्रता द्वारा यह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति बहन जी। हमको समझे कि अब हम घर चलना है, अब अंतिम समय आ गया है, ये हम समझेंगे तो हम पुरुषार्थ की गति हमारी तीव्र हो जाएगी कि शरीर छोड़ने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है अभी करना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। एक क्लास में सचिन भाई जी की क्लास में सुना था कि तीव्र पुरुषार्थी या फास्ट पुरुषार्थ, अर्थात जो हमारा आज का पुरुषार्थ है, हमारी स्थिति है, तो कल हमारी स्थिति उससे आगे हो, परसों और आगे हो, निरंतर पुरुषार्थ चलता रहे और हमारी स्थिति आगे से आगे बढ़ती रहे। ओम शांति। ओम शांति।
पास्ट पुरुषार्थ के लिए जो नवाचार सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा और सेवा सभी को इक्वली आगे बढ़ाए, व्यर्थ संकल्प न चलाए, सिर्फ बाबा को मन बुद्धि में रखे। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर जो बाबा ने हमें वरदान दिए हैं, तो अगर हम वरदान को स्वरूप में लाते हैं तो हमारी तभी गति, जो फास्ट गति का अनुभव हमें होता है और हम फास्ट गति में आगे जा सकते हैं, क्योंकि स्वरूप बनाना, स्मृति में ला करके वरदानों का स्वरूप बनाना, स्वरूप से ही हमारा, जब हम स्वरूप बनाते हैं तो वहां पर ही हमारा शक्ति का, शक्ति जो संगठित होती है श्रेष्ठ शक्ति, और उससे ही शांति की शक्ति भी मिलती है। जो भी हमने स्वरूप बनाया है तो उस स्वरूप से ही हमें खुशी के खजाना मिलता है, और स्वरूप बनाकर ही फास्ट गति में हम जा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कि बाबा ने 2005 की शिक्षा की जो मुरलीधर पढ़ रहे हैं, इसी में अभी बोला था कि कुछ दिन पहले हमने मुरली पढ़ी थी कि मेहनत नहीं मोहब्बत में रहो, और जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक बात का हमेशा अटेंशन दिया कि ब्रह्मा बाबा लवलीन रहे हर चीज में, तो अगर हम बाप के याद में लवलीन रहेंगे हमेशा, केवल इसी बात को ब्रह्मा बाबा की फॉलो करें, जिस पर ब्रह्मा बाबा ने टेंशन लिया कोई भी बात आया पर बाबा लवलीन रहा, तो इससे बहुत फास्ट पुरुषार्थ हो जाएगा और मेहनत खत्म करके मोहब्बत में ही रहेंगे बाबा, और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा और तीव्र होगा। ओम शांति। ओम शांति। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि करना, सोचना और बोलना तीनों जब समान होते हैं तो वो तीव्र पुरुषार्थ होता है। हम सोचते तो बहुत है, संकल्प तो करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाना वो पुरुषार्थ नहीं है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो जो सोचा वो किया, क्योंकि पेपर भी हमारा एक सेकंड का ही होता है, वर्षा भी हमें एक सेकंड में ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं इतनी ही स्पीड से परिवर्तन, अभी कोई कमी की तो वो एक सेकंड में परिवर्तन कर ली जाए तो तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। जो अब कमी करी वो आगे नहीं हो, आज स्वरूप बदल गया तो दोबारा आपको फिर उसी स्वरूप में जाना नहीं है। तो जो सोचा वो किया, और फिर अब नहीं तो कब नहीं, ये बात भी जो है वो हमें तीव्र पुरुषार्थ की तरफ ले जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए हजारों पॉइंट निकल सकती हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जैसे कहते हैं कि सारे दिन का बेस जो है अमृत वेला है, लेकिन अमृत वेले का भी जो बेस होता है वो है मतलब रात्रि योग, जो उसके लिए भी रात्रि योग कम से कम 45 मिनट का होना ही चाहिए। उसको भट्टी मान करके अगर तपस्या हम करते हैं ना, तो वो प्रभाव हमारे पूरे रात्रि पे पड़ती है, और अमृत वेला भी बहुत ही पावरफुल होती है। और हमारा चार्ट भी होना चाहिए, चार्ट होना ही चाहिए, ग्रुप में 4-5 लोग मिलकर के एक चार्ट फॉलो करें, और चार्ट फॉलो करते हुए उस पर पूरा अटेंशन रखे, एक सप्ताह का चेंज करते रहे। उसके बाद मुरली से एक विशेष पॉइंट ले, अव्यक्त वाणी से भी और साकार वाणी से भी, उस पे पूरे दिन पुरुषार्थ होना चाहिए। उसके बाद कर्म करते बीच बीच में 1 घंटा के बीच में 1 मिनट के लिए अव्यक्त स्थिति बहुत पावरफुल बनती है, हमारा पूरा रिफ्रेशमेंट कर देती है माइंड को, कोई संकल्प नहीं सिर्फ अव्यक्त स्थिति। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें आ जाती है, लेकिन ये सब मुख्य बातें हैं जो हमें अटेंशन देना चाहिए, जिससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। ओम शांति। जैसे चिंतन चला ऐसे कि अंतर्मुक्ता में, अंतर्मुक्ता बनकर बाहर मुक्ता में आना, अर्थात हमें अपने आप को देखे, अपनी कमी कमजोरियों को देखे, और जो खिलौना जो बाबा ने दिया है हम बच्चों को, जिसको हम स्वमान कहते हैं, तो सारा दिन में हम स्वमान में रहकर कर्म में आएंगे। जब हम अपनी सेवा करते हैं फिर अटेंशन रखे कि हम जो कल, जो हमारे कल से आज हमारे कितनी उन्नति हुई है, भले ही 1% हुई है लेकिन होनी चाहिए।
तो तब हम कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। जो भी हम कर्म करते हैं तो चेक करना है, चेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि चेक करते रहना है कि आज जो हमसे गलती हुई कल वो दोबारा वो सेम रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना, तब हम कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई जी आप शेयर कर रहे थे, शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। एक इंस्पिरेशन वीडियो देख रहे थे छोटे एक छोटे बच्चे का, तो उनमें क्या है स्केटिंग का रेस रहता है 500 मीटर का, और वो बच्ची स्टार्ट होते ही गिर जाती है और ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी उसको पिकअप कर पाएगी, लेकिन वो बच्चे एकदम कुछ भी न सोचते हुए आगे बढ़ती जाती है और फर्स्ट आती है। तो उसे एक ही समझ में आया और तभी बाबा की भी याद है कि बाबा हर बार कहते कि लास्ट टू फास्ट, फास्ट टू फर्स्ट, तो उन्होंने क्या किया कुछ भी देखा नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और फर्स्ट आ गए। तो इससे यही चिंतन चला कि एक बाप दूसरा ना कोई, अगर हम इसी चिंतन से या इसी लक्ष्य से चलेंगे ना तो फर्स्ट आ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है, तो हर कोई अपने लिए ही नोट कर सकता है। और एक और बात शेयर करना चाहेंगे कि खुद को देखो, अगर हमारा सेल्फ टॉक ज्यादा है, खुद से ही अगर हम चिंतन ज्यादा करते हैं, एकाग्रता का अभ्यास ज्यादा करते हैं, तो उससे भी हम फास्ट जा सकते हैं। तो अभी समय भी हो रहा है, तो दीदी जी आप हम सभी को होमवर्क देंगे और योग भी करें। ओम शांति। तो जैसे आज बाबा ने मर्सीफुल बनने कहा, है ना, रहम नहीं आता है, आपको आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि स्व में लगे रहते हैं ना, और फिर बाबा ने आज बोला ना देना ही लेना है, तो आज दिन भर हम देने की सेवा करें क्योंकि देना ही लेना है, मर्सीफुल बने और विश्व को सकाश दे, क्योंकि पूरी विश्व आज विकट संकट में पड़ी है, संकट आया हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। तो आज मर्सीफुल बन, आज का सोमान ले ले कि मैं रहम दिल आत्मा हूं और पूरे विश्व की आत्माओं पर रहम कर रहा हूं, स्पष्ट उनकी आवाजें सुने मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं भी जहां भी जैसे आवाज जाते हैं ना ये मांगने के लिए, दुख हर हो, दुख हरता सुख करता पुकार रहे हैं, तो उस स्थिति में स्थित होके पूरे विश्व को आज दिन भर सकाश देने की ये सेवा करें, क्योंकि देना ही लेना हो जाएगा, ठीक है। तो आज एक छोटा सा मेडिटेशन भी करते हैं। ओम शांति। अपने आप को चारों ओर की सभी बातों से डिटैच कर ले, अपने अंदर की ओर समेट ले, देखे अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, पूरी तरह से एकाग्र कर दे, मैं एक दिव्य ज्योति हूं, मैं उस सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शरीर के भान से निकल जाए, एकाग्र करे पॉइंट ऑफ लाइट पर,
अभी हम अपने पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। ये चक्र फिराने से मैं तो इस अनेक चक्रों से मुक्त होंगी ही, लेकिन औरों को भी चक्रों से निकाल सकती हूँ। अभी मैं आत्मा भ्रुकुटी से निकल उड़ चली परम धाम की ओर, अपने निज धाम में। शरीर नीचे रह गया, मैं उड़ चली इस छत को पार करते हुए, बादलों को पार करते अंतरिक्ष में पहुंच गई, सूर्य चंद्र तारा मंडल को पार करते अपने मूल वतन परम धाम की ओर जा रही हो, देखे जाते हुए चमकता हुआ सितारा जा रहा है। पहुंच गई परम धाम में, सुनहरा लाल रंग का ये मेरा धाम। यहाँ पे सभी निराकारी स्वरूप में स्थित है। सभी आत्माएं अपने परम पिता के साथ अपने मूल स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में स्थित है। फील करें, चारों तरफ पवित्रता की आभा फैली हुई है। मैं कितना शक्तिशाली अनुभव कर पा रही हूं, या चारों तरफ शांति ही शांति है। वो शांति को अनुभव करे परम धाम की स्वीट साइलेंस। अभी मैं आत्मा परमपिता के पास सम्मुख जाकर बैठ जाती हो, परमात्मा से मुझे सातों गुणों की किरणें पड़ रही हैं, ज्ञान पवित्रता सुख शांति की किरणें, प्रेम आनंद शक्ति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा ज्ञान का सागर है, मैं भी मास्टर ज्ञान का सागर बनती जा रही हूँ। फील करे वो शांति को, शक्ति को, पवित्रता को। अभी मैं आत्मा परम धाम से निकल अपने साकार सृष्टि पर आ रही हो। अंतरिक्ष में पहुंच गई, सूर्य चंद्र तारा मंडल को पार करते अपने साकार सृष्टि की ओर आ रही हूँ। अभी सृष्टि सतो प्रधान अवस्था में है, मैं आत्मा भी सतो प्रधान बन इस साकार में उतर रही हूँ। पहला जन्म मैं देवता जन्म ले रही हूँ।
उस सृष्टि को देखे, कितनी सतो प्रधान सृष्टि, प्यूरिटी। यहां भी मैं सुख शांति का अनुभव कर रही हूं, यहां पे हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी अपनी चरम सीमा पर है। सभी आत्माएं यहाँ पे आनंद प्रसन्न है, आनंदित है। यहाँ हर एक प्रकृति, हर एक तत्व प्योर है, पवित्र है, सतो प्रधान है। जैसे मुझ आत्मा की अवस्था, वैसे प्रकृति की व्यवस्था है। सभी देवी देवताएं चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, पुष्पक विमान में बैठ सैर कर रहे हैं, या एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पी रहे हैं। कोई किसी भी तरह की हिंसा नहीं है, प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति है चारों तरफ। यहाँ देवी देवताएं रास कर रहे हैं, कितने आनंदित लग रहे हैं। सभी देवताओं के कंचन काया है, कितनी सुंदर प्रकृति, कितने सुंदर देवी देवताएं। आहा, ऐसे 2500 वर्ष में आत्मा सतयुग त्रेता में ये प्रालब्ध भोग कर ही द्वापर में मुझ आत्मा का यादगार जड़ चित्रों के रूप में भक्त पुकार रहे हैं। चले मंदिर की ओर, मैं मंदिर में बैठी इष्ट देवता हूं, इष्ट देवी हूं। देखिए अपने आप को मंदिर में, और सम्मुख भक्तों की भीड़ लगी है, एक दर्शन के लिए पुकार रही है। ए सुखहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता, हमारे दुखों को हरो, सुने उनकी पुकार। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूं, सभी भक्तों के विघ्न को विनाश करने वाली परमात्मा द्वारा सुख शांति की किरणें भक्तों पर मेरे द्वारा जा रहा है। सभी के विघ्न दूर होता जा रहा है। फील करें कि बाबा की किरणें मुझ पर, बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं, और मेरे हस्तों द्वारा, दृष्टि द्वारा सभी को शक्ति, पवित्रता, सुख शांति प्राप्त हो रही है। मैं शिव शक्ति हूँ, अष्टभुजाधारी। सभी के दुखों को, दुर्गुणों को मिटाने वाली मैं माँ दुर्गा। सुने भक्तों की पुकार, और आज मैं आत्मा परमात्मा शक्ति से स्वयं शक्तिशाली बन सभी को शक्ति की, पवित्रता की, सुख की किरणें फैला रही हूँ पूरे विश्व को। सुख शांति की किरणें मेरे द्वारा पहुंच रहा है।
सभी आत्माएं तृप्त होती जा रही है। अभी मैं आत्मा संगम पर खुद को ले चले, संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मुझे एडॉप्ट करते हैं। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कल्प वृक्ष की थूर में ब्रह्मा बाप के साथ विराजमान हूँ, मूल में हूँ। मैं ही आधार मूर्त उद्धार मूर्त मुझसे ही पूरे कल्प वृक्ष को पोषण मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। और सभी मनुष्य पवित्र बनते जा रहे हैं। कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, परमात्मा ने मुझे चुना इस विश्व कल्याण की कार्य में, उसने मुझे चुना। कितनी मूल्यवान आत्मा हूं मैं, कितना बड़ा भाग्य है जहां पूरी दुनिया उस भगवान को पुकार रही है, ढूंढ रही है, उसने मुझे चुना, उसने मुझे ढूंढ लिया और भाग्य की रेखा मुझ कलम, हाँ, भाग्य की रेखा खींचने की कलम मेरे हाथ में दे दिया। बच्चे जितना खींचना चाहो भाग्य की रेखा खींच लो। अभी मुझे भी अंधों की लाठी बनना है, सभी आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाना है। अभी चले मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उड़ चली सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में सम्मुख बाप दादा खड़े हैं, हाथ फैलाते हुए मुझे पुकार रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख पहुंच गई। बाबा ने बड़ी प्यार भरी दृष्टि दी, मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे वरदान दिए, उत्साह उमंग के पंख लगाए, विजय तिलक दिया, विजय माला पहनाई और पीठ थपथपाते कहा, वाह बच्चे वाह। अभी मैं और बाप दादा मिलकर विश्व के गोले के ऊपर स्थित हो गए और पूरे विश्व को शक्ति, पवित्रता, सुख शांति की किरणें दे रहे हैं। सभी आत्माएं ये शक्ति और पवित्रता की किरणें लेकर, वो भी शक्तिशाली बनती जा रही है, पवित्र बनती जा रही है। पवित्रता से ही सुख शांति सबके जीवन में आ रहा है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने हमें बहुत अच्छा आज योग कराया स्वतंत्रता दिवस पर, तो सभी को थैंक्स, बहुत अच्छा शेयरिंग हुआ। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी आत्मा को। ओम शांति। शुभकामनाएं स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को। ओम शांति। इंडिपेंडेंस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।